माइंड टैरो में कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव थिंक कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट एक्शन, और आखिर वो कब लेंगे वो एक्शन वो भी दिखेंगे, ठीक है। सो ये एनर्जी कलेक्टिव है प्लस टाइमलेस है, और जनरल रीडिंग है जरूरी की सब पे रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है जैसे कि आप लोग जानते हैं। और उसके अलावा जेंडर स्पेसिफिक दीदी रीडिंग नहीं करती थी, था पे ध्यान न देते हुए आप एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की अभी आप उनको इमेजिन करें, उनके बारे में सोचें, उनको फील करें, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन क्या है उनके लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन एंड फीलिंग्स ओवरऑल बताएं। केल्टिक क्रॉस मेथड यूज करूंगी, दी हर्मिट। ओ वाव, कार्ड्स तो बहुत अच्छे निकले। एट ऑफ वॉन्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, नाइन ऑफ वॉन्स, फाइव ऑफ वॉन्स, टेन ऑफ कप्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। वाओ, पता नहीं क्यों आज की एनर्जीज लगी थी मुझे कि कुछ डिफरेंट है, आज कुछ तो अलग था, मुझे लगा ही पता नहीं क्यों, एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आई थी। एनीवेज, तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिससे आप डील कर रहे हैं वो बहुत स्ट्रांगली एरीज, लियो, सैजिटेरियस हैं, और ओके लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये आपकी या इनकी साइंस हो सकती है। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करने लगे हैं, बहुत ज्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जैसे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपके लिए करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे। खुद को समय से पहले बूढ़ा महसूस करना, एक रोशनी की इच्छा रखना कि यार एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, यार एक दिन मुझे सब कुछ ठीक करना है। इस वक्त इनको बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लेने हैं जो आपकी तरफ आने के लिए है बट ले नहीं रही है, प्रेजेंट सिचुएशन है, अभी अभी इस क्षण की घड़ी बता रही। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट कुछ टाइम से इनके मन में ऐसी इच्छाएं जाग रही है जहां पर ये आपको वापस पाना चाहते हैं, वापस आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको लेकर लिटरली परेशान होते हैं, एंजाइटी लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपको अप्रोच करने में ना इनको बहुत चिंता होने लगी है। देखती हूँ रुकावट क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, नाइन ऑफ वॉन्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शादी का कंसर्न है, या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या आप मैरिड है, ठीक है, मैरिज का कोई कंसर्न है या आप इनसे शादी चाहते हैं, ठीक है, मैरिज का प्रॉब्लम है जो ये पर्सन आपको दे नहीं पा रहे। इनको बहुत डर लग रहा है कि आपको कैसे फेस करें, कैसे आपका सामना किया जाए, अगर ये आपके पास वापस आएंगे या कम्युनिकेशन करेंगे तो आपको कैसे, मतलब वो हालातों के बारे में समझाया जा सके या कैसे आपको दोबारा दिलासा देकर अपने हाथ में किया जा सके। ये पर्सन बिल्कुल भी मैनिपुलेटिव नहीं दिखाई दे रहे, ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत ही इमोशन से, बहुत हैवी इमोशन से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर, और इस वक्त उनको ऐसा लग रहा है कि काश मैं कुछ कर सकता, मतलब वो एक एनर्जी है जहां पे वो बोल रही काश काश मेरे हाथ में ये चीजें होती, काश मैंने ये किया होता, काश मैंने उस वक्त ये डिसीजन ना लिया होता, वो वाली गिल्ट मुझे ऐसा दिख रहा है, गिल्ट बहुत लग रहा है। बीते वक्त को इतना ज्यादा याद कर रहे हैं कि अपने आज में फोकस नहीं है, अपने आज से ना खुश है ना फोकस्ड है, ऐसा लग रहा है कि अंदर से जैसे कि अशांति है बहुत ज्यादा, जैसे बोलते ना खुद से ही बार बार सवाल कर रहे हैं क्यों आया वो टाइम, क्यों हुआ ये सब, क्यों, मतलब ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है। आपसे नाराज नहीं है बट उदास बहुत है, बहुत ज्यादा। अगर आपको लग रहा है कि आपसे बात नहीं करते या नो कॉन्टेक्ट में रहते हैं या ऑन एंड ऑफ करते हैं तो ये क्यों, क्योंकि अपना ईगो दिखा रहे हैं, बट नहीं ये सच नहीं है, ये इस वक्त खुद को बहुत ज्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि ये आपके लिए चाहकर भी काश कुछ कर पाते, मतलब कुछ क्यों नहीं कर पा रहे का दुख है। एक अजीब ही इमोशंस है इनके ऊपर हावी, और इनको आपको खोने का डर है, मतलब डर भी नहीं, कहती हूँ कि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी हार हो गई, इनको ऐसा लग रहा है कि आपको खो बैठे हैं। आपका जिंदगी में जिस तरह आगे बढ़ना हो रहा है ये उतने ही इमोशनल लेवल पे लो फील कर रहे हैं, अपने आप को संभाल पाना मुश्किल है। आसपास मैं कहूंगी कि इनके आसपास के एनवायरनमेंट में भी बहुत नेगेटिविटी है, इनके आसपास बहुत झगड़े और लफड़े हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इश्यूज है, ये इश्यूज स्पेशली इनके फैमिली में है, ये किसी चीज को लेकर बहुत परेशान है, बहुत अपसेट है, या एक साथ इतने लोग इनके सामने आकर खड़े हुए हैं जैसे ये ऐसा सोच रहे हैं कि इससे भिड़ूं या इससे भिड़ूं या इससे भिड़ूं, ये बहुत ज्यादा अंदर से अनहैप्पी है। अगर एक फैमिली पर्सन है, ये फैमिली मैन, फैमिली वुमन, ये जो भी है फैमिली पर्सन है, तो ये मैं बता दूं कि इनकी फैमिली ना कहूंगी कि बहुत हैप्पी जा रही है, ना कहूंगी कि बहुत बुरी जा रही है, बट ओके ओके जा रही है, मतलब ओके ओके जा रही है, जहां पे मुझे ये ऐसा दिख रहा है कि जस्ट दिखाने का शो ऑफ है, मतलब अगर ये समझ लो उदाहरण के तौर पे कहूंगी कि अगर ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या पति पत्नी है तो उदाहरण के तौर पे ये कहूंगी कि सामने लोगों को ऐसे दिखते हैं कि ये बहुत नॉर्मल है, इन दोनों का बहुत अच्छा पट रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बट
अंदर की कहानी, बंद कमरे की कहानी बहुत ही अलग है। बंद कमरे में ये बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, अनहैप्पी है, जैसे लग रहा है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये जैसे हार गए, इन्होंने जिंदगी की लड़ाई में जैसे कोई हार हथियार होते ना डाल देना। याद रखना कभी भी एक इंसान का जब एक हथियार डालने का स्वभाव होता है ना कि एक आ जाता है और आज जहां पर वो बोलता है कि नहीं बस आई कांट डू इट एनीमोर, और मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं ये जंग नहीं लड़ सकता या नहीं लड़ सकती, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये सबसे बड़ा तकलीफ दे समय होता है जो हैंडल करना मुश्किल होता है। इसको हम वो फेस कहते हैं जहां पर सामने वाला इस चीज से एंजाइटी या स्ट्रेस में जाना शुरू हो जाता है। तो आपके पर्सन या पर्सन ही जो भी है इमोशनल लेवल पे बहुत लो फील करने लगे, उनको आपकी याद बहुत आने लगी और ये अपने पास्ट को बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि पास्ट में सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, पास्ट में सब कुछ बेस्ट था, बट अभी ऐसा लग रहा है जैसे पास्ट में आप धीरे धीरे बदल गए और इनके अंदर भी बदलाव आ गया। आपने अपने अंदर के ऑरा को चेंज किया है, अपने आप को चेंज किया है और ये अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करने लगे। इनको लग रहा है इन्होंने सब कुछ खो दिया, मतलब इन्होंने देर कर दी, इनको ऐसा लग रहा है देर कर दी। ये अभी भी दिमाग में बार बार आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं पर इनको लग रहा है कि ये आपको कैसे दे वो सारी चीजें जो आप इनसे मांग रहे हैं। आप इनसे कुछ ऐसा मांग रहे हैं जो इनके हाथ में इनको बहुत मुश्किल लग रहा है, इनको टफ लग रहा है, पर मैं ये कहूंगी कि अगर आप टिके रहे तो बहुत कुछ अच्छे आंसर्स मिल सकते हैं। ये डेफिनेटली वो फेज है जहां पर ये पर्सन बहुत इमोशनल लेवल पे डैमेज्ड है, डाउन है, लो है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी चीजें ठीक होंगी। कम्युनिकेशन आ सकता है, एडवाइजेज में या ऑब्स्टेकल में ऐसा दिख रहा है कि इनकी तरफ से कोई एक्शन लेना है जो पेंडिंग है, ठीक है, वो पेंडिंग एक्शन जो है ये इनको क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों हालत, मतलब इनको खुद को पता है, मतलब एक बार बार ना जैसे कोई एनर्जी पोक कर रही है कि तू एनर्जी, मतलब एनर्जी को पोक करके बार बार ये कर रही है कि भाई तू एक्शन ले, तू नहीं ले रहा है, जैसे बार बार ना 24 घंटे इनके दिमाग में ही चल रहा है, अरे मेरे को कुछ करना पड़ेगा। तो ये बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं उसके कारण, इमोशनली लेवल पे लो फील कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि इनके आसपास इनको समझने वाला कोई नहीं और इनके घर में बहुत इशूज है, ठीक है, बहुत इशूज है। इनको एक मन, इनका मन पता है कहानियां बुनता है, इनका मन ये कहता है कि अरे मैं हजार से लड़ जाऊंगा, लेकिन जैसे ही सामने प्रेजेंट सिचुएशन पे आते हैं तो इनको लगता है कि इनमें हिम्मत ही नहीं आती कि लड़ सके। ये बेसिकली आपकी कामना करते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत स्ट्रांगली आपकी इच्छाएं रख रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली ये आपको लेकर बहुत हैवी वाइब्रेशंस फील कर रहे हैं, बहुत ही हैवी वाइब्रेशंस, जहां पर मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन नॉर्मली सो भी नहीं पा रहे हैं या नॉर्मल लेवल पे नॉर्मल जीवन व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। इनका माइंड आपकी तरफ पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, पूरी तरह, और ये कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम को करने में इनको उत्सुकता या एक एनर्जी फील नहीं हो रही, इनको लग रहा है जैसे जबरदस्ती इनको वो काम करना पड़ रहा है जिसमें कोई खुशी नहीं है, ठीक है। आप इनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल और बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हो इस वक्त, ठीक है, जिसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस लाइफ में। अगर आप नहीं हो तो ये बहुत ज्यादा अनइजी फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसा फील कर रहे हैं जहां पे ये हैप्पी नहीं है, ठीक है। आने वाले समय में ऐसा दिख रहा है कि ये आपके लिए प्रार्थनाएं और कामनाएं करना शुरू करेंगे, आपके साथ एक बैलेंस बनाकर चलने की, एक पॉजिटिविटी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। इनकी तरफ एक पॉजिटिविटी और एक बोलते हैं ना चमत्कार या मिरेकल कुछ क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। यूनिवर्स द स्टार का कार्ड क्लैरिफाई करेंगे। यस डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये सिचुएशन से ये बाहर निकलेंगे, ये सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। इनको आपको लेकर कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलना शुरू होगी, कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मुझे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा बिकॉज मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। ये आपके साथ एक कम्प्लीशन चाहते हैं बट ये कहीं ना कहीं वो कम्प्लीशन दे नहीं पा रहे, बट आने वाले समय में इनके अंदर एक पॉजिटिव ऑरा आएगा जहां पे आपकी प्रार्थनाएं और इनकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रांग लेवल पे फील कर रहे हैं, कोशिश करेंगे, पॉसिबिलिटीज है कि आपके साथ इंटिमेसी बनाने की या आपके साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अगर आप इनसे डिस्टेंस में रहे तो ज्यादा बेहतर है बिकॉज आपके पर्सन कोई डिसीजन लेना चाहते हैं बहुत जल्दी और ये डिसीजन आपके लिए लाभकारी होगा, बेसिकली बहुत लाभकारी होगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कोई अच्छा इंपॉर्टेंट मिरेकल क्रिएट हो सकता है अगर आपने खुद पे पेशेंस रखे तो। आप अपनी बात पर अगर बोलते ना रुके रहे, मतलब अड़े रहे कि ये चीज है, मतलब लड़ना नहीं है, अग्रेसिव नहीं होना है, पर अपने बात का स्टैंड सही तर्क से रख पाए, पॉजिटिवली पोलाइटली रख पाए, तो डेफिनेटली आपके जीवन की कहानी आगे जा सकती है। एज ऑफ नाउ डेफिनेटली आपके पार्टनर नहीं हिल पा रहे अपनी सिचुएशन से इस वक्त, इनके आसपास ऐसा दिख रहा है कि ये डे एंड नाइट आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं और अपने आप के अंदर एक बोलते हैं ना एक पेनफुल एनर्जी फील कर रहे हैं। और ऐसा दिख रहा है कि प्रॉब्लम पता है क्या है, मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही दिखी है, ये आपके पार्टनर जो है ना दो लोगों के बीच का चुनाव नहीं कर पाते। जब इनको दो लोगों के बीच को चुनने को कहते हैं ना कि ये चुन लो या ये कर लो या डिसीजन ले लो तुम्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए, जब आप डिसीजन लेने को कहते हैं ना तो ये पर्सन खुद को बहुत उलझा हुआ महसूस करते हैं, एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं। कहने के लिए डेफिनेटली ये बहुत मैच्योर हो गए बट असल मायने में ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस से गुजर रहे हैं।
ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले कुछ समय में आपके पार्टनर जो है बहुत बुरी तरह बिट्रेड, यानी कि किसी से धोखा पाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। और कई हद तक खुद को इतना डाउन फील करेंगे जहां पे इनको लगेगा कि ये चाहकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर सके और ये खुद को बहुत लो फील करेंगे। ये जरूर दिखाई दे रहा है कि प्रार्थनाएं पूरी होंगी, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाले कुछ समय में आपके पार्टनर जो है बहुत बुरी तरह मुंह के बल गिरेंगे। ये इनके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगा, एंजाइटी होगी, पैनिक अटैक्स होंगे, इमोशनल लेवल का डिस्टर्बेंस होगा जो इजी नहीं होगा। इनके आसपास के लोग भी इनका साथ छोड़ेंगे, इनको अकेला कर देंगे, इनके आसपास के लोग इनको समझने से इनकार करेंगे। हर कोई इनको सिर्फ लालच या ग्रीड या किसी मतलब की भावना से यूज करना शुरू करेगा। जब तक इनका मतलब निकल रहा है सब इनके साथ अच्छे से रहेंगे, लेकिन जैसे सबको ये लगा कि ये बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है उनके लिए और ये सिर्फ परेशान है और परेशान रहते हैं और हमें भी परेशानी देते हैं, उधर ही ये पूरा किस्सा चेंज हो जाएगा। ऐसा दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट 10 डेज या कुछ लोगों के लिए 10 वीक्स में कहानी पूरी विपरीत होने वाली है। जो पर्सन आज आपको लेकर स्टैंड नहीं ले पा रहे, क्लैरिटी नहीं ले पा रहे, यूनिवर्स उन्हें जो है पुश कर रही है, ऐसे सिचुएशंस और ऐसे सर्कमस्टेंसेस बना रही है जहां पर वो चुनाव कर सके, आपको लेकर बहुत जल्दी ये प्रपोजल लाएंगे और बहुत ही जल्दी एक सॉरी जरूर आएगा। इस पर्सन को बहुत ही सॉरी फील होता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत सारी चीजें गलत की जो इन्हें नहीं करनी चाहिए, और सॉरी कि ये आपको उस समय साथ नहीं दे पाए जिस वक्त आपको सबसे ज्यादा इनकी जरूरत थी। इनके अंदर गिल्ट बहुत ज्यादा है, ये बहुत जल्दी आपको एक अलग ही लेवल का बोलते ना एक्सप्रेस ऑफ लव दिखाएंगे जो आपको हैरान कर सकता है, और बहुत लोगों के लिए ये विद इन अ मंथ और विद इन 10 डेज में होगा ये, ठीक है। कहानी पूरी विपरीत होगी, पलटेगी पूरी कहानी, पिक्चर पूरी तरह से पलटेगी। ऐसा समझ लो जैसे इंटरवल से पहले बहुत ज्यादा सब कुछ अलग चल रहा था और इंटरवल के बाद कहानी पूरी विपरीत दिशा में चली गई है, ठीक है। यहाँ पर आसपास के लोग इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल्स दे रहे हैं और इनके लिए चीजें इतनी आसान नहीं जितनी मतलब आपको देख के लग रहा होगा कि सब कुछ बहुत अच्छा है, या स्टेटस या स्टोरी देख रहे हो जिसको लेकर आप वाओ सब कुछ अच्छा है, बट डीप इनसाइड ये हैप्पी नहीं है, ये बहुत अनहैप्पी है। यूनिवर्स मुझे बताएं मिरेकल्स के बारे में, क्या मिरेकल्स एक्सपेक्ट करें। ओके एक और मुझे बताएं, एक और दें क्या मिरेकल्स एक्सपेक्ट करें। विक्ट्री होने वाली है आप लोगों की बहुत जल्दी। आप जो चीज को एज ऑफ नाउ ऐसा फील कर रहे हो कि नहीं आपकी लाइफ में चीजें ठीक नहीं हो सकती, बट बहुत जल्दी आप लोगों की लाइफ में बहुत ही सुंदर चीजें होंगी। आप आने वाले समय में बहुत रिकॉग्नाइज किए जाओगे, आपकी बहुत ज्यादा ग्रोथ होती हुई दिख रही है, आपके जिंदगी में बहुत ज्यादा लक आएगा, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली हो या बोलते ना पर्सनैलिटी वाइज आप बहुत ज्यादा नोन पर्सनैलिटी बनने वाले हो। आने वाले समय में आप अपने आप का ऑरा ऐसा बिखरोगे जैसे कि कोई ऑफिस में काम कर रहे हो, लोग आपसे इंस्पायर्ड होना शुरू हो जाएंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, और या तो आपके अपने पैशनेट शौक बाहर निकलेंगे, आप बहुत पैशनेट हो जाओगे, सडनली आप ऐसी ऐसी चीजें एक्सप्लोर करोगे जो आप कभी सोचा करते थे, जो कभी आपकी इच्छाएं हुआ करती थी, और इस रिलेशनशिप में आपकी विक्ट्री होगी। ये रिलेशनशिप आपको वो जंग जिताएगा जो आपको आज की डेट में नामुमकिन लगने लगे। मुझे बताएं और क्या होने वाला है इनकी लाइफ में। यस, ये रिलेशनशिप आपको वो बनाएगा जो बहुत ही अलग है। मैंने कहा ना इस वक्त ये रिलेशनशिप में आपको ऐसा दिख रहा है जो बहुत ही विपरीत है, आपको सिर्फ दिख रहा है। ये जो है जैसे मान के चलो अभी आप स्टोरी स्टेटस वगैरह देख रहे हो, बोल रहे हो गॉड ये तो सब कुछ अच्छा चल रहा है और मैं तो बहुत दुखी हूं, मैं तो जिंदगी ये हूं, तो यूनिवर्स आपको जो है चपेट देने की कोशिश कर रहा है जिससे आप थोड़ा सा झंझोड़ कर बोलेगी बाबा अब मैं भी खुश रहूंगी। आप खुश रहने की कोशिश करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे आपको पता चलता है कि नहीं यार अंदर की कहानी कुछ और थी। ये चश्मा है जो आपको कह रहा है कि बहुत जल्दी आपको चश्मा पहनाया जाएगा और आपके सामने सारी चीजें वो क्लियर किया जाएगा, कौन कितना पानी में आपको पता चल जाएगा, सच्चाई क्या है झूठ क्या है आपको पता चलेगा। अगर आज आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर बहुत मजे में है तो वो अब बहुत अपसेट है, बहुत तकलीफ में है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आज बहुत तकलीफ में है तो कोई बात ऐसी है जो आपके सामने आएगी, क्योंकि आपकी जिंदगी में कोई क्लैरिटी कोई रियलिटी चेक आपको इस पर्सन से मिलने वाला है जो बहुत ही अद्भुत होगा, बहुत ही शॉकिंग होगा और जो आपको जो है आश्चर्यचकित कर सकता है। कहीं ना कहीं आपको मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आप इनके दिल में घर कर पाएंगे, बहुत ही स्ट्रांगली आप इनके दिल में घर करेंगे और ये जो है बड़ी बात है, मतलब आपके पर्सन जो है
ऐसी पर्सनालिटी नहीं दिख रहे जो बहुत ज्यादा सीरियस लव में बिलीव करते हो। इससे पहले, आपसे पहले तो मुझे ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है कि इनका कोई सीरियस लव हुआ हो, चाहे बोला हो, लेकिन जितना सीरियस ये आपके साथ महसूस कर पाए उतना शायद ही किसी के पास कर पाए होंगे। आपने इनको बहुत सीरियस होना और लव की परिभाषा सही तरीके से समझाई है, और जो इन्होंने आपसे सीखा है वो शायद ही वो किसी और से सीख पाते, यानी कि आपने इनको बहुत ही डिफरेंट लाइफ और एक डिफरेंट पर्सन बनाया है, और ये बहुत ही बड़ी बात है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या एडवाइस है। ओके, डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जिंदगी में आप बहुत ज्यादा अभी ये मुझे एक एनर्जी दिखाते हुए नजर आ रहे हो, जहां पे आप बहुत ही ऐसी पर्सनालिटी बनोगे जो ज्यादा अकेले में रहने की कोशिश करोगे। ठीक है, यूनिवर्स आपको ये कहते हुए दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ मिलोगे जुलोगे नहीं या बातें नहीं करोगे, नहीं, डेफिनेटली आप बातें करोगे, इन्वॉल्व होगे, लेकिन आपके अंदर एक अलग ऑरा आएगा जो आपको ज्यादा अकेले बैठने को कहेगा, जो ज्यादा या तो मेडिटेशन की तरफ ले जाएगा या तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ ले जाएगा, या जो आपको अकेले बैठ के नेटफ्लिक्स देखने को कहेगा, बोलेगा एंजॉय करो अकेले में बैठकर। आप अकेले अपने आपके साथ ही अपनी क्वालिटी टाइम को स्पेंड करना शुरू करेंगे, और ये जो आपका ऑरा बन रहा है यही आपको बहुत ही क्रिएटिव माइंडसेट की तरफ ले जाएगा, कुछ ऐसा आपसे करवाएगा जो आपकी जिंदगी में चमत्कार लाएगा। यूनिवर्स पे पूरा बिलीव और फेथ रखें, क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत ही अलग पदवी पे ले जाएगा। यूनिवर्स मुझे बताएं आने वाले समय में इनकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, आने वाले समय में इनकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, मेरे जो व्यूवर्स उनकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। शादी होने वाली है आप लोगों की बहुत जल्दी, बहुत जल्दी मीन्स बहुत जल्दी, वेरी सून। मैं सीरियसली, मैं पता है खुद दो बार देख रही हूँ कि मैंने गलत तो नहीं देखा, नहीं 100% आपकी जिंदगी में शादी होने वाली है। ठीक है, वेरी सून मैरिज एक्सपेक्टेड है। अगर ऑलरेडी मैरिज आपकी है की हुई तो सेपरेशन सॉल्व होगा और फैमिली में एक अच्छा एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनेगा। आपको कंप्लीशन मिलने वाला है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जिंदगी में यूनिवर्स आपको गिफ्ट देने वाली है। यूनिवर्स मुझे बताएं ये गिफ्ट और ये शादी क्या इसी करंट पर्सन से होगी। यस 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 यस, बोलो पीपल को टेबल तोड़ो। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, सीरियसली मैं क्या ही बोलूं, मुझे इतनी उत्साह, मुझे खुद को एनर्जी फील हो रही है, मुझे लग रहा है मैं खुद उठकर डांस करूं यार, सीरियसली मुझे बहुत हैप्पी एनर्जी फील हुई है। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी 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 नाइस, मैं क्या ही कहूं, मेरे पास खुद को शब्द नहीं है यार। फाइनली हम लोग विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं यार, इतने टाइम से पता है मैं रीडिंग्स कर रही हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है अब मुझे आउटकम मिल जाए, अब मिल जाए, क्योंकि यार मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं फेक बातें नहीं कर सकती, मेरा दिक्कत है, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं जितना बोल रही हूँ ये लोग सोच रहे होंगे कि यार दीदी क्या नेगेटिव बोलते हो हर बार, ये है वो है, लेकिन अब फाइनली मुझे वो आउटकम रिसीव हो रहा है जिससे मैं बहुत गदगद हूँ। सीरियसली मेरे को बहुत हैप्पी फील हुआ है, एंड सीरियसली मैं आप सभी को ब्लेस करती हूँ, भगवान करे आप लोगों की जोड़ी पूरी हो जाए और आप लोगों की जिंदगी के सारी अड़चने, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, सारी दिक्कतें ही कम हो जाए, क्योंकि आपके जीवन में अब बहुत जल्दी मिरेकल्स होंगे, बहुत जल्दी आपकी जिंदगी की कहानी बदलेगी। वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल ऑफ यू यार, बहुत ही अलग जिंदगी जी रहे हो आप, अलग ही जिंदगी जीने वाले, खुश हो जाओगे यार, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ मैसेजेस देख ले, यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, मैंने कहा ना करंट सिचुएशन ही है इनकी, इन्होंने सब कुछ खो दिया, इनको ऐसा लग रहा है इनकी जिंदगी में अब हंसने के लिए कोई चीज नहीं, कोई वजह नहीं बची, मेरा मन तुम्हारे बिना कहीं नहीं लगता, इनका मन कहीं नहीं लगता आपके बिना। लाइफ में अब वो वाला स्पाइस ही नहीं रहा, इनकी लाइफ का स्पाइस खत्म हो चुका है जब से आप चले गए हो इनकी लाइफ में, इनको खुश रहने का, इनको हैप्पी रहने का, इनको इनके अंदर की एनर्जी इनको फील ही नहीं हो रही है। दिस ऑल वर योर फॉल्ट, उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उस वक्त चीजों को ठीक क्यों नहीं किया, अगर ये बिगड़ रही थी तो उस वक्त आपको ही थाम लेना चाहिए था हाथ, तुम बदल गए हो, उनको लग रहा है आप बदल गए, इनको लग रहा है इनके और आपके बीच में सब कुछ बदल गया है। मैंने कहा ना इनको ऐसा लग रहा है कि आप डिफरेंट पर्सनैलिटी बन गए हो। यू नीड टू थिंक बिग एंड बियॉन्ड लिमिट्स, यूनिवर्स आपसे कह रहा है आपको लक्ष्मण रेखा पार करनी पड़ेगी, समय आ गया है, सब्र रखो जल्दी सब ठीक होगा। आई एम हेल्पलेस सॉरी, ये इनकी करंट एनर्जी है। बापरे मैं कितनी निकाल रही हूँ, मेरा मन ही नहीं रुक रहा है, मैं क्या करूँ। फीलिंग बर्डन नॉट हैप्पी, हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, ये बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, सब कुछ बदल जाएगा बहुत जल्दी, तो डोंट वरी, सब कुछ बहुत जल्दी बदल जाएगा, आप लोगों के जीवन में कुछ अद्भुत होगा और 100% होगा, मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत जल्द होगा। आप लोगों की शादी एक्सपेक्टेड है या आप लोगों के जीवन में पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड है और वो होकर ही रहेगी, ये सिर्फ कहीं कहा बातें नहीं होंगी, ये होगी आपकी जिंदगी की सच्चाई जो आपको हैरान कर सकती है। ठीक है,
सो यहाँ पर मैं अपनी रीडिंग को कंप्लीट करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई तो मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका डालो और यस कमेंट कर दो। आई स्ट्रांगली क्लेम दिस एनर्जी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आई बिलीव इन यू। आई नो यू प्रोटेक्ट मी। मैं अच्छे से जानती हूँ यूनिवर्स आप मेरा बेस्ट करोगे। आप मेरे लिए हमेशा अच्छा सोचोगे और आप मुझे सपोर्ट करोगे। इसीलिए अपनी सारी फिक्र और अपने आप को आपको सौंपती हुई, सरेंडर करती हुई मैं आज आपको थैंक यू बोलती हुई जो है नस्तक जो भी मतलब बोलते हैं ना ग्रेटफुल होकर ग्राउंड करती हूँ। लाइक आप यूनिवर्स से कुछ ऐसा मैसेज करें जिससे आप यूनिवर्स को बताएं कि आप उनपे कितना ट्रस्ट करते हैं। अपने कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप उनके ऊपर कितना ट्रस्ट करके कितनी फीलिंग्स जो है या हैवी वाइब्स फील करते हैं उनके लिए और उनको विश्वास दिलाएं कि आप सरेंडर कर रहे हैं। और खुद से भी बोले यस आई सरेंडर माई सेल्फ दिस टाइम। ओके मैं खुद को सौंपती हूँ इस यूनिवर्स को। ठीक है यूनिवर्स मेरे लिए बेस्ट करेगा। ठीक है सो उसके अलावा अगर हीलिंग के लिए आप लोगों को ब्रेसलेट की रिक्वायरमेंट है आप अमित को कॉन्टैक्ट करें। अगर एंजाइटी या लो आप भी फील कर रहे हैं इनकी वाइब्रेशन अगर आप फील कर रहे हैं तो आप भी ये पहने। और उसके अलावा यस पर्सनल लिविंग चालू है लेकिन मेरी सिस्टर मेरे भी हाफ में ले रही है। स्मॉल बजट रीडिंग्स हैं वो ले रही है वो और वो 31 जनवरी तक लेंगी। उसके बाद मैं अपनी रीडिंग शुरू करूंगी। ओके मैं वापस पर्सनल रीडिंग पे आऊंगी। बहुत जल्दी और भी बहुत सारी चीजें लॉन्च होने वाली है। अनाउंसमेंट मैं इसी चैनल पे करूंगी। ठीक है अपने आपको जरूर ये चैनल सब्सक्राइब करो दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब करो क्योंकि अब डेली का डोज होगा। डेली आप लोगों को बूस्टर मिलेगा। बहुत मजा आने वाला है। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो बहुत अच्छी अच्छी रीडिंग्स में डालती रहती हूँ। ठीक है सो अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखिए मुस्कुराते रहें। बाय टेक केयर। ओम साईं राम।